हे नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए और कमाल के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉप स्टार, जी हाँ, बिली आइलिश के बारे में। इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हम जानेंगे और इनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में भी जानेंगे हम, और इनकी लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट। अगर आप इनकी सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस मिल सकती है। जनरली आप लोग सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं उसका आइडिया बदल जाएगा आपका इस वीडियो को देखने के बाद। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट सम इंस्पिरेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिली आइलिश एक पॉप स्टार है। उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में गाना गाना स्टार्ट कर दिया था, और उनका जो जन्म है वो एक म्यूजिशियन की फैमिली में ही हुआ था। उनके मम्मी पापा दोनों म्यूजिशियन थे, और बचपन से ही वो स्कूल नहीं गए, उन्हें घर में ही उनके मम्मी पापा सिखाते थे जो भी पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज या म्यूज़िक घर पर ही सिखाते थे। वो कभी स्कूल नहीं गई, और बहुत छोटी ही उम्र से ही गाना स्टार्ट करने की वजह से उन्होंने 8 साल की उम्र में एक बैंड ज्वाइन किया और 3 साल तक उसमें गाना गाया। और जब वो 11 साल की हुई तब वो खुद म्यूज़िक कंपोज करने लगी, यानी कि म्यूज़िक लिखने लगी, अपने लिरिक्स लिखने लगी वो। और वो अपने बड़े भाई फीनियस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी, जो पहले से ही गाना गाने और उनको परफॉर्म भी करता था वो अपने बैंड के साथ। और बिली को छोटी उम्र में ट्यूरेटल सिंड्रोम से डायग्नोस्ड हो चुकी थी, यानी कि उन्हें डायग्नोज यानी डिप्रेशन की बीमारी लग चुकी थी। और जब लगी ये तब कम हुई, यानी कि फटक से उसने अपना असर नहीं दिखाया। पहले हुई लेकिन फिर बाद में छुपी रही वो, और फिर बीच में बिली को डांस का चस्का चढ़ गया और वो डांस करने लगी। एक बार जो उनके डांसिंग सर थे उन्होंने बोला एक गाना रिकॉर्ड करो, उसमें हम कोरियोग्राफ करेंगे। लेकिन बिली के बड़े भाई फिलिप्स ने पहले से ही ओशन आई नाम का एक गाना रिकॉर्ड करके रखा था, और वो सोच रहा था कि वो अपने बैंड के साथ इस गाने को परफॉर्म करेगा। लेकिन जब उसने बिली की वॉइस सुनी उस गाने पे, जब बिली ने उस गाने को गाया, तब उसने सोचा ये जो सॉन्ग है ये बिली डिजर्व करती है, यानी कि ये सॉन्ग बिली की आवाज़ में ही बनना चाहिए। उन्होंने उस गाने को रिकॉर्ड किया, और साउंड क्लाउड एक ऐप था जिसमें तुम अपनी वीडियोस या साउंड अपलोड कर सकते हो। जैसे आज की डेट में यूट्यूब है, वैसे ही उस टाइम साउंड क्लाउड था, आज भी है ये। और उन्होंने साउंड क्लाउड पे अपना गाना रिकॉर्ड किया, और उनका गाना नाइट सेंसेशन बन गया, यानी कि रातों रात हिट हो गए, वो सुपरस्टार बन गए सिर्फ छोटी सी उम्र में। फिर जब 13 एज की हुई बिली, तब उन्हें चोट लग गई, और उसकी वजह से उन्हें डांसिंग छोड़नी पड़ी, और इसकी वजह से उनका डिप्रेशन वापस आया। और इस बार उनके डिप्रेशन ने उन्हें छोड़ा नहीं, यानी कि वो सुपरस्टार बनती जा रही थी, उनका डिप्रेशन हॉट तेज होता जा रहा था, यानी कि हॉट पकड़ मजबूत बना रहा था, यानी कि वो समझ रही थी मैं फालतू में हूँ यहाँ इस दुनिया में, मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो गाइस, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकती है, वो एज लिमिट नहीं देखती। डिप्रेशन कहीं भी किसी को भी हो सकती है, प्लीज़ अपने आप को डिप्रेशन से बचाएं। तो बैक टू द टॉपिक, उन्हें डिप्रेशन की वजह से पैनिक अटैक्स होते थे। वो कहती हैं कि अगर आप उनके साथ एक दिन रहोगे तो उनको काफ़ी सारे अटैक होते थे, पैनिक अटैक हो के एकदम अजीब से, डिप्रेशन लोगों को आते हैं जिनका दिमाग घूम जाता है, उनको भी आते हैं ये अटैक। तो उनको ऐसे अटैक आने लगे थे, और वो सुपरस्टार की नेगेटिव साइड से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुकी थी। देखो, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, तो वैसे ही सुपरस्टार का भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट को कुछ ज़्यादा ही
सीरियस से ले रही थी डिप्रेशन में, क्योंकि डिप्रेशन में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, पॉजिटिविटी तो पता नहीं सपने में भी नहीं आती, पॉजिटिविटी ऐसी होता है। और फाइनली थेरेपी और ट्रीटमेंट की वजह से वो वापस ठीक हो गई, और जब ठीक हुई वो कहती हैं कि कितनी लकी थी वो जो बच गई, और वो अपने प्लेटफॉर्म से मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, तो बिली आइलिश ने 17 या 18 साल की एज में 4 ग्रैमी ले ली। अब कितना बड़ा सेंसेशन था, मिलियंस ऑफ फैन बेस बना लिया उन्होंने। तो गाइस आपने देखा, डिप्रेशन से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं, उससे बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर किसी में विल पावर हो ना अच्छी खासी, तो वही निकल सकता है, उसके भी बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन बिली आइलिश ने उसको ओवरकम किया। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का एक बटन दिया उसको दबा दें, इससे क्या होगा आप हमारी नई और लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे जब हम अपलोड करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।